20 मई 2023 के दिन मैशेबल इंडिया नाम के काफी फेमस इंटरनेट कंपनी ने यह डरा देने वाला आर्टिकल अपनी वेबसाइट में पब्लिश किया। इस आर्टिकल में मैशेबल इंडिया के मार्क कॉफमैन ने बताया कि बहुत जल्द हमारे नाइट स्काई में दिखने वाला सबसे ब्राइट स्टार सुपरनोवा की प्रोसीजर करने वाला है, यानी पूरी तरह से फट कर ये तबाह होने वाला है। अब देखो, सुपरनोवा एक ऐसी प्रोसीजर है जिसका धमाका कई बार इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो अपने आसपास कई लाइट ईयर्स तक की दूरी में आने वाली हर एक चीज को तबाह कर देती है। और जिस स्टार के सुपरनोवा में जाने की यहाँ पर बात हो रही है, सरप्राइजिंगली वो कॉस्मिक लेवल पर धरती से बहुत ज्यादा दूर नहीं है और दिन ब दिन उसके अंदर होने वाली गतिविधियां बढ़ती ही जा रही है। लेकिन घबराने से पहले जरा 2 मिनट रुको, क्योंकि सवाल ये आता है कि क्या वाकई इस स्टार के अंदर कोई सुपरनोवा होने भी वाला है या नहीं? इस खबर में कितनी सच्चाई है, ये स्टार है कौन सा, और अगर ये फटकर तबाह हो भी गया तो भी क्या इससे हमारी धरती को कोई फर्क पड़ता है? वेल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक और घबराहट में डाल देने वाली खबर के पीछे की सच्चाई का खुलासा करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। Betelgeuse is so big that if you were to place it in our own solar system, it would stretch to the orbit of Jupiter. Equally, it could explode tomorrow. By far the brightest star in the sky, brightly as a full moon. दोस्तों, आज हम जिस सिस्टम की बात करने वाले हैं उसके बारे में आप पहले भी कई बार सुन चुके होंगे। इस स्टार का नाम है बीटलजूस और साल 1836 में सर जॉन हर्शल द्वारा डिस्कवर किया गया ये स्टार रात के अंधेरे में दिखने वाले सबसे ब्राइटेस्ट स्टार्स में से एक है। नाउ टू बी प्रिसाइज, 9th ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। अब अगर लोकेशन की बात करें तो ओरायन कॉन्स्टिलेशन में मौजूद ये स्टार धरती से करीब 642.5 लाइट ईयर्स दूर है, लेकिन इसकी क्वालिटीज आपको हैरान कर देंगी। अब तस्वीरों में जरा सा दिखने वाला ये स्टार असल में सूरज से भी 764 गुना बड़ा है। मगर देखो, बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि इसका टेम्परेचर भी सूर्य से ज्यादा हो, क्योंकि जहां सूर्य का सरफेस टेम्परेचर नियरली 6500 डिग्री सेल्सियस मेजर किया जाता है, वही ल्यूमिनोसिटी और रेडनेस को देखते हुए इस स्टार का टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ 3500 केल्विन तक ही एस्टिमेट किया जाता है। हालांकि आप में से बहुत से लोगों का सवाल होगा कि साइज बढ़ने के बावजूद इसका टेम्परेचर कम क्यों हो गया, तो इसका भी एक बड़ा ही तगड़ा लॉजिकल रीजन है। दरअसल सूरज से साइज में इतने बड़े होने के बावजूद वजन के मामले में ये स्टार सूरज के मुकाबले सिर्फ और सिर्फ 20 गुना ही भारी है। अब साइज इतना बड़ा है और मास इतना कम, जिस वजह से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण बहुत ज्यादा हीट इस स्टार के हिस्से पर ट्रांसफर नहीं करी जा पाती, और इसी डिसबैलेंस की वजह से इसका एवरेज टेम्परेचर कम बना रहता है। अब उदाहरण के लिए, अगर आप 4 लकड़ियों को बहुत छोटी जगह पर एक के ऊपर एक रखकर जलाएंगे और इन्हीं 4 लकड़ियों को किसी बड़ी जगह पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखकर जलाएंगे तो कम एरिया वाली जगह का एवरेज टेम्परेचर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू बड़े एरिया वाले जगह, जहां उतनी ही हीट बड़े इलाके में डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी। खैर, अब तक हम आपको इस स्टार के बारे में इंट्रोडक्शन के रूप में लगभग सब कुछ बता चुके हैं, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब ये जानने का वक्त आ चुका है कि क्या सच में ये स्टार कर धरती को तबाह करने वाला है। वेल, इस पूरे मामले की शुरुआत होती है टेक्निकली साल 2019 में, जब एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर के एक ग्रुप ने जनवरी 2019 और दिसंबर 2019 में खींची गई बीटलजूस की तस्वीरों को पैरेलल रखकर ये पॉइंट आउट किया कि समय के साथ साथ कुछ कारणों की वजह से बीटलजूस से निकलने वाली रोशनी लगातार कम होती जा रही है। अब जनवरी 2020 आते आते तो ऐसा लगने लगा था मानो ये स्टार किसी अंधेरे साए में दफन हो रहा है, लेकिन सरप्राइजिंगली एक साल बाद यानी दिसंबर 2020 के बाद से बीटलजूस ने वापस से अपनी वही रोशनी रिटेन कर ली, जिस रोशनी के साथ वो पहले चमका करता था। और देखो, एक स्टार की नॉर्मल स्टेट ऐसी ही रहनी चाहिए, लेकिन घबराने वाली बात यह है कि आज की डेट में भी दिन ब दिन इसकी ब्राइटनेस बढ़ती ही जा रही है, एंड दैट्स वेयर थिंग्स चेंज फ्रॉम बीइंग नॉर्मल टू एबनॉर्मल।
अब देखो, सबसे पहले तो वैज्ञानिकों के लिए ये पता लगाना जरूरी था कि आखिर इस स्टार के रोशनी में गिरावट क्यों देखी गई, क्योंकि ये स्टार हमारे लिए सुपरनोवा के नेचर को स्टडी करने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखो, वैज्ञानिक ऐसा अंदाजा लगा रहे थे कि कहीं रोशनी में आने वाली इस कमी का कनेक्शन डार्क मैटर या किसी मिस्टीरियस एनर्जी या पार्टिकल से तो नहीं है। मगर जब हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा रिकॉर्ड की गई स्पेक्ट्रल ऑब्जर्वेशन को इसी दायरे में देखा गया तो ये पता चला कि इतनी सारी एक्साइटमेंट का कोई भी मतलब नहीं था, क्योंकि इसकी रोशनी ना तो डार्क मैटर की वजह से कम हुई थी और ना ही किसी मिस्टीरियस एनर्जी या पार्टिकल की वजह से। दरअसल देखो, हम जिस एंगल से बीटलजूस को ऑब्जर्व करते हैं, स्टार के उसी एरिया से फरवरी से नवंबर के बीच में एटमॉस्फेयर का एक हिस्सा इजेक्ट होकर स्टार से अलग हो गया था। अब स्टार से अलग होने के बाद जैसे ही उस हिस्से की ल्यूमिनोसिटी और एनर्जी निल हुई, वैसे ही अलग हो चुका वो भाग काले रंग के डस्ट क्लाउड में बदल गया, जो जब हमारे और बीटलजूस के बीच में आया तो उसकी डार्कनेस ने बीटलजूस की रोशनी को ज्यादा गुजरने नहीं दिया और जिस वजह से हमें इस तरह की डिम इमेजेस दिखाई पड़ी। अब देखो, इसका मतलब टेक्निकली ये है कि स्टार के नेचर और ब्राइटनेस में कोई अंतर नहीं आया था, बस उसके आगे इकट्ठा होने वाले इन डस्ट क्लाउड्स ने हमारी तरफ आने वाली रोशनी को कम कर दिया था। अब यहाँ तक आते आते आधी परेशानी खत्म हो गई, मगर फिर आया मई 2023 में जनरेट हुआ ये ग्राफ, जो ये दिखा रहा है कि पिछले एक साल में इस स्टार की ब्राइटनेस एक्सपोनेंशियली अपने नॉर्मल बार से 142% ज्यादा पर आ चुकी है। अब इस ग्राफ को सपोर्ट करने के लिए AAVSO के पब्लिक डोमेन से इस चार्ट को भी उठाया गया, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि साल 2015 से साल 2023 के बीच में इस स्टार की ब्राइटनेस में कितने उतार चढ़ाव देखे गए हैं, और स्पेशली साल 2019 और 20 में होने वाली मिसअंडरस्टैंडिंग डिमनेंस के बाद इस तारे की ब्राइटनेस में जो उछाल देखा जा रहा है वो इस बात का सबूत है कि इसके अंदर कुछ तो ऐसा चल रहा है जो हमारी समझ के परे है। अब दोस्तों, वैसे तो किसी स्टार की ब्राइटनेस में इस तरह का उछाल आने के पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन बीटलजूस जैसे स्टार्स में इस तरह के लक्षण तभी देखे जाते हैं जब समय के साथ होने वाले एक्सपेंशन के कारण उसका आकार लगातार बढ़ता चला जाता हो। अब देखो, वैसे तो पहले की संभावनाओं और डेटा के आधार पर हमेशा से यही कहा जा रहा था कि इस स्टार को फट कर सुपरनोवा करने में अभी कम से कम 1,00,000 साल बाकी है और उसके लिए अलग अलग ग्राफ्स तैयार किए गए थे, मगर अब जिस तरह की एबनॉर्मल ग्रोथ इस स्टार ने दिखाई है उससे ये साफ पता चल रहा है कि हमारे सारे आंकड़े गलत थे और इसकी इंटरनल एक्टिविटीज पहले से ज्यादा तेजी के साथ एग्जीक्यूट हो रही है, जिस वजह से देखो बहुत ज्यादा नहीं तो भी ये माना जा सकता है कि अगर आने वाले 6 महीने से 1 साल के टाइम पीरियड में भी इसकी ब्राइटनेस में देखी जाने वाली ये ग्रोथ वापस से स्टेबल कंडीशन पर नहीं आई तो इससे हमारी सारी प्रेडिक्शंस गलत हो जाएंगी और अपडेटेड फिगर को एनालिसिस करके एट लास्ट यही पॉसिबिलिटी मिलेगी कि इसके अंदर होने वाला सुपरनोवा कम से कम 40,000 से 50,000 साल तक प्रीपोन हो जाएगा, मतलब 40,000 से 50,000 साल पहले ही ये फट जाएगा। एंड दी वर्स्ट केस सिनेरियो, अगली प्रिडिक्शन में हमें यही पता लगेगा कि ये सुपरनोवा आगे आने वाले 10,000 से 20,000 सालों में ही बर्स्ट आउट कर जाएगा। अब चलो आते हैं हमारे आज के फाइनल क्वेश्चन में। अगर मान लो सुपरनोवा कल ही हो जाए ऑल ऑफ ए सडन बिना किसी प्रिपरेशन के, तो क्या उससे धरती तबाह हो जाएगी? अगर आपके जहन में ऐसा कोई भी डर है तो उसे निकाल कर फेंक दीजिए, क्योंकि देखो तबाह होने का तो छोड़ दो, अगर हमें उसका एहसास हो जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। पॉपुलर मैकेनिक्स के इस आर्टिकल के अनुसार किसी सुपरनोवा का किल जोन हद से ज्यादा सिर्फ 50 लाइट ईयर्स तक का ही होता है, यानी 50 लाइट ईयर्स के दायरे में जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है सुपरनोवा के आफ्टर इफेक्ट्स उस हर एक चीज को तबाह कर देते हैं। बट लकीली हम इस स्टार के 50 तो क्या 500 लाइट ईयर्स के रेडियस में भी नहीं आते, जिस वजह से अगर ये कल को फट भी गया तो भी आपने घबराना नहीं है, बस टेलीस्कोप लगा के मस्त उस धमाके का व्यू एंजॉय करना है अगर आप उसे देखने के लिए जिंदा बचे तो, क्योंकि उस एक्सप्लोजन के फोटोन्स को भी तो यहाँ पहुँचने में सदियां लगेंगी ना। वैसे देखो, जाते आते एक सवाल और ये भी है कि नाइट स्काई का ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है? सही जवाब देने वाले को कमेंट सेक्शन में पिन किया जाएगा, बस उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।